हाउ मेनी ब्रिक्स इन वन क्यूबिक फीट, एक क्यूबिक फीट में कितना नंबर ऑफ ब्रिक आ सकता है। जैसे आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, तो फर्स्ट में हमें ब्रिक का डायमेंशन पता होना चाहिए वन ब्रिक का। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, हमारा वन ब्रिक है। इस ब्रिक का जो डायमेंशन है 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच, 9 इंच है जो हमारा इसका लेंथ है और 4.5 इंच है इस ब्रिक का विड्थ है, और जो हमारा 3 इंच है इसका थिकनेस है। वन क्यूबिक फीट में कितना नंबर ब्रिक लगेगा वो निकालने से पहले हमें वन ब्रिक का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट में हम वन ब्रिक का वॉल्यूम हम निकालेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू एल इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रिक का डायमेंशन को, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा। जैसे लेंथ है हमारा ब्रिक का, जो लेंथ है 9 इंच, उसको पहले हम फीट में कन्वर्ट करेंगे, 12 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा फीट में आ जाएगा 0.75 फीट। उसके बाद जो हमारा विड्थ है, विड्थ ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो विड्थ है 4.5 इंच को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये फीट में आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद 0.375 फीट आ जाएगा हमारा विड्थ। उसके बाद थिकनेस ऑफ जो हमारा ब्रिक है 3 इंच, उसको भी हमें 12 से डिवाइड करना है, तो हमारा आ जाएगा इसका थिकनेस 0.25 फीट। उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू एल इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा, वो भी वन ब्रिक का वॉल्यूम आएगा। तो हमारा लेंथ है 0.75, जो हमारा विड्थ है ब्रिक का 0.375, इसका जो थिकनेस है 0.25, सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा 0.070 क्यूबिक फीट। ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है वन ब्रिक का। जैसे नंबर ऑफ ब्रिक इन वन क्यूबिक फीट हमें निकालना है, एक क्यूबिक फीट के लिए निकालना है, तो 1/1 डिवाइड करेंगे वॉल्यूम हमारा जितना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वन ब्रिक का, उसे डिवाइड करेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा। वो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आया है 14.285 ब्रिक्स। तो 14.285 ब्रिक्स आ चुका है। उसके बाद जो आप लोग दिख रहा होगा फिगर में, इसमें तो मोर्टार भी कवर किया है, ठीक है। तो मोर्टार कवर्ड 10% स्पेस, जो मोर्टार 10% स्पेस कवर कर लिया है उसमें हम 10% डिडक्ट करेंगे। तो 14.285 × 10% / 100% में ले जाना है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा 1.4285 ब्रिक्स, उसमें से हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 14.285 माइनस 1.4285, डिडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 12.856 ब्रिक्स। उसके बाद एडिंग द 5% वेस्टेज, इसमें तो वेस्टेज भी होगा, वन क्यूबिक फीट में अगर ब्रिक वर्क करेंगे तो हमारा उसमें कुछ ब्रिक टूट जाएगा, तो वेस्टेज 5% हम प्लस करेंगे। तो एडिंग द 5% वेस्टेज ऑफ ब्रिक 12.856 × 5/100, सभी को हम कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आएगा 0.6428 ब्रिक्स, जो हमारा वेस्टेज हो जाएगा। उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इन वन क्यूबिक फीट में कितना नंबर ऑफ ब्रिक रहेगा टोटल, वो अब हम निकालेंगे। तो हमारा कितना आया था 12.856 प्लस जो हमारा वेस्टेज है 0.6428, सभी को ऐड करेंगे तो हमारा 13.49 नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा वन क्यूबिक फीट के लिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।